बैग ऑफ राइस इज सफिशेंट फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 फॉर 6 डेज इफ 4 मोर पीपल जॉइन देम हाउ मेनी डेज विल द बैग ऑफ राइस लास्ट फॉर देम। तो ग्रुप ऑफ 8 8 लोगों के लिए 6 दिन तक था, तो 4 लोग और आ गए, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, अब कितने दिन तक चलेगा। तो देखो जैसे जैसे लोग ज़्यादा होते हैं ये कम दिन के लिए चलता है, शुरू में 8 थे तो ये 6 दिन चला, अब 12 दिन हो गए, कितने दिन तक चलेगा हमें नहीं पता। इस 12 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, 12 और 6 कटेंगे, ठीक है भाई 12 डिवाइड होगा ना 6 से कटेगा, 2 बचेगा, 8/2 आंसर हो जाएगा 4। फिर कह रहे हैं 10 पेंटर्स कैन पेंट अ हाउस इन 50 डेज, इफ़ 10 मोर पेंटर ज्वाइन देन हाउ मैनी डेज विल इट टेक देम। शुरू में 10 पेंटर थे, ठीक है, तो कितने दिन चला था 50 डेज चला था, अब मज़ीद 10 पेंटर आ गए, तो मज़ीद 10 पेंटर आने वाले पे क्वांटिटी डबल हो गई, तो डेज आधे होंगे, 50 का आधा कितना होता है 25 दिन लगे। द रेशो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स इज 2:3, अभी ये रेशो 2:3 है, आफ्टर वी रिमूव 4 रेड मार्बल एंड एड 6 ब्लू मार्बल द रेशो बिकम 2:5, 4 रेड मार्बल हटा दिए 6 प्लस कर दिए तो रेशो हो गया 2:5। वॉट वॉज द ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल इन द बॉक्स, तो ओरिजिनल नंबर मार्बल के बॉक्स के कितने हो गए, तो 2:3 का मतलब क्या हो गया, क्या बात हो गई 20 और 30 की, क्या फर्ज करो 20 या 30 होगा रेशो, तो 2 और 3 5 यूनिट है, तो देखो 42 और 24 तो हो ही नहीं सकते, इसके आंसर क्यों 5 के टेबल में नहीं आ रहे, या तो 40 हो सकते हैं 60, पहले 40 को चेक कर लेते हैं। टोटल यूनिट 2 और 3 कितने हो गए 5, 40 को 5 से डिवाइड करो तो 1 यूनिट 8 का है। अब देखो रेड 2 ब्लू 3, तो 8 2 16 और 24, अब रेड जो है वो 4 माइनस होने हैं, ब्लू 6 ऐड अप होने हैं, ये देखो लिखा हुआ है ना रेड 4, तो 16 में से 4 माइनस करो 12, 24 में 6 प्लस करो 30, क्या 12 और 30 का रेशियो 2:5 है, बिल्कुल है जी, तो इसका लगभग 40 आंसर है। हाँ अगर 40 से नहीं होता तो फिर मैं 60 को भी वैसे ही करता, 5 यूनिट से डिवाइड करता 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते 24 36, फिर 4 यहाँ माइनस 6 प्लस करके देखते तो ऑफकोर्स 2:5 का रेशियो नहीं आता, वो किससे आ गया 40 से, तो ये हमारा आंसर। इफ 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 औंस हाउ मैनी पाउंड्स आर देयर इन 10 औंस, एक पाउंड 16 औंस के बराबर है तो कितने पाउंड होंगे 10 औंस में, तो वही बात क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स बराबर हो जाएगा 10/16, 10/16 का मतलब क्या होता है 5/8। फिर इसी तरह कह रहे हैं इफ ऑन अ मैप 1 inch रिप्रेजेंट 8 mile ऑफ अ सिटी, व्हाट एरिया ऑन मैप इन स्क्वायर इंच रिप्रेजेंट एन एरिया इक्वल टू 320 square mile इन द सिटी। तो देखो 1 inch अब 8 mile के बराबर है तो 320 square mile, देखो बात स्क्वायर माइल की हो रही है इसलिए यहाँ 8 से नहीं बल्कि 8 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, डिवाइड कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा 5, ठीक है, याद रहे कि बात चूँकि एरिया की हो रही है इसलिए 8 नहीं 8 के स्क्वायर से डिवाइड कर। द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशो 4:3:1, इफ द सैलरीज इंक्रीज बाय 15%, 10% and 5% रिस्पेक्टिवली देन इंक्रीज सैलरी विल बी रेशो। ये बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले रेशो था 4:3:1, ठीक है, अब इसमें इजाफा हो गया भाई कितने का, 1 में 15 का, 1 में 10 का, 1 में 5 का, तो अब इनका रेशो क्या होगा, तो देखो कोई भी राउंड फिगर ले लो 400 400 मान लो, ठीक है, इसे 400 इसे 300 इसे 100 चाहो तो 4000 3000 1000, ठीक है, अब अगर इसमें 15% का इजाफा हुआ तो 400 का 15% होता है 60, 400 में प्लस कर दो 460, 300 का 10% होता है 30,
प्लस कर दो तो 330, 100 का 5% कितना होगा? 5 यहाँ प्लस कर दो 105। अब 460, 130, 105 साफ दिख रहा है 5 के टेबल से, तो सभी डिवाइड हो रहे हैं। इसको करेंगे 92 आ जाएगा, इसको करेंगे 66 आ जाएगा, इसको करेंगे 21 आ जाएगा। कौन सा वाला आंसर आ गया? ऑप्शन ए वाला। ठीक है, देखिए फिर कह रहे हैं कि 2x बराबर है 3y के, और साथ ही 4z के भी इक्वल है, तो एक्स वाई जेड का रेशो क्या होगा? क्या मतलब 2x अगर बराबर है 3y के और साथ साथ 2x बराबर 4z के भी है, तो इनका रेशो क्या होगा? वेल, एक बात तो तय है कि हम कह सकते हैं कि भाई x अपॉन y का रेशो 3:2 होगा और x अपॉन z का रेशो 4:2 होगा। ठीक है, यानी z से ये डबल बड़ा है। z अगर 2 यूनिट है तो x कितने यूनिट है? 4 यूनिट, और y कितने यूनिट है? 3 यूनिट। तो अगर हम y से मतलब y अगर 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है। ठीक है, अब किस तरह कर सकते हैं? देखें, हम कोई ऐसी चीज़ नंबर ले लेंगे, जैसे कि यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। 3 4 सा क्या होता है? 12 होता है। x को 12 मान लें पहले, क्यों? मल्टीप्लिकेशन। अब तो कैसे किया मल्टीप्लिकेशन? किसका किससे किया? 3 को 4 से कर दिया 12। अच्छा, अब देखें देखें जरा मेरी बात सुन लीजिए। वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8। भाई 3:2 का रेशो आना चाहिए ना, कट के 8 ही आएगा। और इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ? 6। सेट को मेरे भाई ये देखें, ये 2:1 आ गया। ठीक है, 4:2 का मतलब क्या है? 2:1। और यहाँ से देखें, ये आ गया 3:2। अब फर्दर मजीद डिवाइड हो रहा है जी, यहाँ 2 के टेबल से हो रहा है, तो 6:4:3, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। टू नंबर्स आर इन रेशो 5:4 एंड देयर सम इज 180। LCM, द LCM इज, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? देखिए स्मॉलर नंबर ज़ाहिर है 4 वाला होगा, तो 4 के टेबल से डिवाइड होता है? नहीं होता। ये डिवाइड होता है? नहीं होता। ये डिवाइड होता है? नहीं होता। खाली कौन सा डिवाइड होता है? 36 ही आंसर होगा। फिर कह रहे हैं a:b बराबर है 2k, बी और सी का रेशो 4:5 है, सी और डी का रेशो 5:9 है। a:d का चाहिए। जब भी ऐसा सवाल हो, बड़ी आसान ट्रिक है, a को डिवाइड करें b से इनटू b अपॉन c इनटू c अपॉन d। अब a अपॉन b, अभी तो हमने देखा था भाई क्या था, 2:1, तो 2:1 आ जाएगा। b:c 4:5, d:c 5:9। अब 5:5 कट जाएगा, 2 4 का कितना होता है? 8, और 1 9 का 9, आंसर 8/9। और बस ये ख़त्म है। प्रेजेंट रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5। इफ 18 ईयर्स अगो द रेशो वॉज 11:16, फाइंड द सम ऑफ टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखें, पहले रेशो था 4:5, 18 साल पहले रेशो 11:16 था, तो इनकी प्रेजेंट एजेस का सम क्या होगा? वेल, अगर पहले ऑप्शन से चेक कर लें 19, तो भाई ए और बी का रेशो साफ कह रहे हैं कि 4:5 है। अगर इस बात को ट्रू मान लें तो सम 90 तभी हो सकता है जब ये 40 हो और ये 50 हो। अब ये करेक्ट है या नहीं, ये ऐसे पता चलेगा, हम 18 साल माइनस करके देखेंगे। अगर रेशो 11:16 आ रहा है तो हमारा आंसर 90 है, वरना फिर हम बारी बारी सारे ऑप्शन से चेक करें। अब जब हमने 18 माइनस किया तो 22 आ गया, या 18 ही करना है ना, 18 ईयर्स अगो ना। ठीक है, यहाँ 32 आ गया। बिल्कुल, क्या 22 और 32 में 11:16 का रेशो होता है? बिल्कुल होता है जी, 2 के टेबल से काटे तो इसका 90 ही मेरा आंसर है। और नहीं होता तो फिर हम ऐसे ही 70 को भी करते। ठीक है, सबको करके देखते हैं। देखें ना, 4 और 5 कितने बने? 9 यूनिट। 90 को 9 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 10। 10 एक यूनिट 10 के बराबर है, तो ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। और वैसे करें ऑफकोर्स आंसर हमारा आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन
पॉजिटिव नंबर्स? पॉजिटिव नंबर इज 10. दो पॉजिटिव नंबर हैं, इनका डिफरेंस किसके बराबर है? 10 का. सही है. द रेशो बिटवीन दैम इज 5:3. रेशो जो है इनका वो है 5:3. तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द नंबर चाहिए, यानी x:y. अब देखो 5 और 3 कितने यूनिट हुए? 2 यूनिट. 2 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है? 10 के बराबर. तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 5 के बराबर. तो 5 यूनिट 5×5=25. 3 यूनिट 3×5=50. 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 375. वैसे भी गौर से देंगे 25 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा भाई. दोनों के एंड में 5 है ना. 5×5 से क्या होता है? 25 होता है. यानी एंड में यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, किसी और ऑप्शन में नहीं है. खाली किस ऑप्शन में? 375 में. ये होगा, सिंपल सी बात है भाई. दोनों का जो डिफरेंस है 10 है, और दोनों का रेशो 5:3 है. तो 5 और 3 कितने डिफरेंस हुए यूनिट के? 2 यूनिट. 2 यूनिट्स किसके बराबर है? 10 के बराबर. 1 यूनिट 5 के बराबर. 5 यूनिट 25, 3 यूनिट 15 प्रोडक्ट लेना है. बड़ा अच्छा साले, रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन 30 लीटर मिक्सचर इज 7:3. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक रेशियो 6:1. अभी जो है वाटर और मिल्क का जो रेशो है वो 7:3 है. तो कितना एडअप कर दें कि वाटर और मिल्क का रेशो 6:1 हो जाए. अब देखो 7 और 3 का मतलब कितना हो गया? 10 यूनिट. और अभी कितना मिक्सचर है? 30. 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 3 आता है. ठीक है, यानी 1 यूनिट 3 के बराबर. तो 7 यूनिट 21 के, 3 यूनिट 9 के बराबर हो गए. अब हमें क्या करना है? वाटर बढ़ाना है. इतना बढ़ाना है कि वाटर और वाटर और मिल्क का रेशो क्या हो जाए? 6:1 हो जाए. देख लेंगे अभी मिल्क कितना है? 9 है. 9 है, इसे 9 ही रखना है. तो वाटर इससे कितने टाइम ज़्यादा होना चाहिए? 6 टाइम ज़्यादा होना चाहिए. 9×6=54. अभी कितना है? 21. तो 21 और 54 का फ़र्क कितना हो गया? 33. यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा. कह रहे इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स. यानी बॉयज़ 20% ज़्यादा किससे हैं? गर्ल्स से. यानी अगर गर्ल्स 100 होंगी तो बॉयज़ कितने होंगे? 120. ठीक है. देन दैट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 66. टोटल स्टूडेंट्स बॉयज़ गर्ल्स मिला के 66 हैं. इफ़ 4 मोर बॉयज़ एडिट हो गए तो फिर क्लास का रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल है. अब 120 और 120 के टेबल से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है अभी बॉयज़ का रेशो 6 है, गर्ल्स का 5 है. टोटल रेशो कितना बन रहा है? 11. 66 को किससे डिवाइड करें? 11 से. 11 से, यानी 1 रेशो 1 यूनिट 6 के बराबर है. तो बॉयज़ इसका मतलब अभी हो गए 36, गर्ल्स कितनी हो गई? 36. अब 4 बॉयज और ऐड कर लें, 40 और 30 का रेशो क्या होगा? 4:3. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा. अच्छा, अभी आपने ये गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो निकाला ना, कि बॉयज़ गर्ल्स से जो 20 बॉयज़ ज़्यादा हैं, 20 ज़्यादा हैं. बिल्कुल जी. तो 6:5 रेशो आ गया. 6 और 5 का मतलब कितने हो गए? 11 यूनिट. एक बार जब पूरा सुन लें, देखिए 11 यूनिट है. 11 यूनिट बराबर कितने के हो गए? 66 के. तो 1 यूनिट बराबर आ गया 6 के. यानी 6×36, 6×5=30. वो तो समझ में आ गया जी. यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया, 2 के टेबल से डिवाइड किया. मेरे भाई ये 20 के टेबल से डिवाइड किया. 20 के टेबल.